आजमगढ़, कानून बनने के बाद भी नहीं रुक रहा है तीन तलाक। एसपी कार्यालय पहुंची महिला ने पति पर दहेज के लिए तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया। उसने पति पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग किया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव निवासी मोहम्मद यासिर की पुत्री रेशमा खातून का विवाह अक्टूबर 2018 में जौनपुर जिले के सरपताहा थाना क्षेत्र के सारी जहांगीरपट्टी गांव निवासी मोहम्मद रिजवान के साथ हुई थी। आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज में 2 लाख रुपये और बुलेट न मिलने से ससुराल वाले आए दिन उसे प्रताड़ित करते रहते थे, लेकिन वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बीते मई माह में दहेज को लेकर पति ने मारा पीटा। पीड़िता ने बताया कि जब वह अगले दिन अपने माता पिता को बुलाया तो उनसे भी दहेज की मांग की गई। आरोप लगाया कि ससुराल वाले पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए पति ने 3 बार तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। वह माता पिता के साथ मायका हैदरपुर में रह रही है। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि उसके पति ने घर पर जाकर 3 तलाक दे दिया है और उसे प्रताड़ित भी करता था। जांच की जा रही, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बाय चिराग जैन, एसपी ग्रामीण, आजमगढ़। सर, अतरौलिया थाना क्षेत्र से 3 तलाक का मामला आया था, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? और दिनांक 7 जून को थाना अतरौलिया पर एक मुस्लिम वर्ग की महिला द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उसके पति, जिनसे उनकी शादी 2018 में हुई थी, मोहम्मद रिजवान, जो जौनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने उनके घर पर आकर, मायके में आकर, 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया है। दहेज के लिए काफ़ी समय से प्रताड़ित भी कर रहे थे। इस तहरीर पर थाना अतरौलिया मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे के आधार पर जांच की जा रही है और गिरफ्तारी कार्रवाई अमल में लाई गई।